आपने अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रैटेजी के एच आर बनाना है तो उसका पहला स्टेप अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है सो so, इसको इस लिहाज से भी सोचें कि एक तो ये हम कर रहे हैं हमें ये पता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को इस लेवल तक कैसे लेके जा सकते हैं लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशनल को इस लेवल तक लेके जाना है तो मुझे क्या 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 क्या, क्या चीज़ें सीखनी हैं वो भी आपके लिए इसमें से निकल आता है ठीक है और जो फिर आप अगर किसी के सामने फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने कहा कि मैं अपने बॉस के सामने जाकर के उनको बताऊँगा तो वो या वो आप उनसे कहेंगे तो आप उनको किस तरह से बताएंगे आप एक प्रोजेक्ट डिजाइन करके चूंकि आपने एक्सपर्टीज अपनी डेवलप करने की कोशिश की होगी तो आप उसका प्रोजेक्ट का आइडिया लेकर के बॉस के पास जाएंगे आप ये नहीं कहेंगे कि जी मुझे लगता है कि हमें विचार इस तरह करना चाहिए वो कहेंगे भाई हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैं हूँ तुम कौन मुझे बताने वाले लेकिन अगर आप एक आइडिया ले करके जाएंगे उनके पास तो उनको बताएंगे कि जी इस पर्टिकुलर एचआर के अंदर मैं चाहते हूं या मैं चाहता हूं कि इस साल हम ये एक इनिशिएटिव लें आपके दिमाग में फुल फ्लैजेड वो होगा कि हम ऐसा ऐसा स्ट्रेटेजिक एच की तरफ जा सकते हैं चाहे उसमें से एक पार्ट भी कर लिया उसके दो फायदे होंगे नंबर वन आप अपना जो भी पार्ट एक सीखा है उसको इंप्लीमेंट करते होंगे तो एक बड़ा एक्सप्लिसिट फायदा इम्प्लसिट फ़ फ़ यह है कि आपको कोई बात में ये नहीं इस बात पे नंबर काट सकेगा आपके परफॉर्मेंस के कि यह इनिशिएटिव नहीं लेते आप एक तरीका है कि मैं राना फमिल काम करते रहूँ ठीक है मुझे क्या ज़रूरत है बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए बस नौकरी लगा के बस ठीक है यार लगी हुई है जैसे चल रहा है चलते देते हैं कि ठीक है लेकिन होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को तो खैर शायद आपके उस इनिशिएटिव की ज़रूरत कम हो उस इनिशिएटिव की ज़रूरत आपको ज़्यादा होती है क्योंकि आप उसी से ग्रो कर रहे होते हैं मैंने अपनी लाइफ में जो भी सीखा है मेरी मास्टर्स से भी पहले थे जो भी मेरी लर्निंग है वो सारी सेल्फ लर्निंग है और वो सेल्फ लर्निंग क्यों है ये नहीं कि मुझे किसी ने सिखाया नहीं सेल्फ लर्निंग का मतलब ये कि मैंने खुद कहा अच्छा मैं ये सीख लेती हूँ किसी न किसी जगह से कोई कोर्स ढूंढा कोई बुक ढूंढी कोई ब्लॉग ढूंढा कोई टूल ढूंढा और फिर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई इनिशिएटिव डिजाइन करके पहुंच गए बॉस के पास मुझे ही करना था क्योंकि लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है लर्निंग बाय डूइंग ये अपनी कुथी में बांधें हर चीज के लिए हर चीज के लिए आज आप पूरा स्ट्रेटजिक एच नहीं बना सकते जब तक आप एच नहीं बन जाएंगे एच बनने में कितने साल हैं पंद्रह साल कम से कम दस से पंद्रह के उसमें करियर में जो होते हैं वो नॉर्मली एच ओ के लिए कंसिडर होना शुरू हो जाते दस से पंद्रह साल तक पहुंचने के दौरान आप दस तो इनिशिएटिव ले चुके होंगे ना so, समझ रहे अपने करियर को जब आप ऐसे प्लान करेंगे तो देन यू वुड नॉट बी ओनली कंट्रीब्यूटिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन बट यू विल एक्चुअली बी कंट्रीब्यूटिंग टू योर ओन करियर ग्रोथ एज वेल सो इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इस बात पर डिसार्टन ना हो कि यार मेरे तो कंपनी का बड़ा ही पुराना ए एच आर सिस्टम है मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ यू कैन इवन इफ़ यू कैन नॉट चेंज एवरी थिंग यू कैन चेंज इवन वन स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ इट एंड दैट इज़ गुड इनफ क्योंकि आपके होने से वो चीज़ चेंज होना शुरू हो जाएगी फिर आप दूसरा चेंज करना मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं एक एजुकेशनल इदारे में काम कर रही थी इट वॉज अ वेरी टॉक्सिक ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी टॉक्सिक ऑर्गेनाइजेशन यानी लोग वहाँ पर बैठ करके सिर्फ या तो गप्पे हाँक रहे होते थे एक दूसरे की टांगें खींच रहे होते थे आ, एक दूसरे के बारे में गॉसपिंग कर रहे होते थे और वहाँ पे लोगों का ख्याल था कि जितने मर्द आते हैं और जितने खवातन आते हैं वो एक दूसरे से अफेयर चलाने आते हैं क्योंकि वहाँ पर गॉसपिंग यही हो रही होती थी हरे कोई किसी के साथ बैठ गया तो ये और एच में अनफॉर्चुनेटली सारी हर तरह की दो नंबरी होती थी इनमें से कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ने नहीं कहा था करने को। को तो मैम ये भी सेट कंपनी सेट कंपनी। सेट क्या नजर आ रहा था एजुकेशनल इधारा है, है सारे स्कूल चल रहे हैं, पैसे बहुत बन रहे हैं तो छोड़ो कोई बात नहीं है जो हेड ऑफिस में जो कुछ हो रहा है होता रहे। उसकी वजह से हेड ऑफिस के एम्प्लॉज की रिस्पेक्ट जीरो थी क्योंकि उनको यही लगता था कि ये क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मेरे तो स्कूल जो चला रहे हैं असल कॉन्ट्रीब्यूटर्स तो वो हैं क्योंकि कस्टमर्स के साथ तो डायरेक्टली वही डील कर देखें स्कूल का मॉडल भी है तो टिपिकल कस्टमर मॉडल ना जिसमें कस्टमर आपके पास बैठा हुआ है सबसे ख़तरनाक मॉडल यही है बिजनेस का जिसमें बाकी प्रोडक्ट वगैरह में तो एक स्टेप हट के कस्टमर आते हैं ना प्रोडक्ट खरीद लेगा स्कूल में तो आपके अंदर आके बैठ जाएगा कस्टमर ठीक है तो उनका भी सारा फोकस स्कूल्स के साथ था हेड ऑफिस के लोग मतलब बिजी डूइंग नथिंग थे ना जॉइंड एज एन एच आर मुझे सबसे पहला महीना का शौक मेरा ये था कि यहाँ कोई एक दूसरे को सलाम नहीं करता कितनी छोटी सी चीज़ है ये कोई स्ट्रेटेजिक एच आर नहीं है uh, कोई एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल नहीं पास करता दैट वॉज द लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी दे आर लीस्ट पॉदड हु वी आर वर्किंग विद हाँ अपने फ्रेंड्स के दरमियान में हल्ला गुल्ला हो रहा है सारा कुछ हो रहा है बट एक से दूसरा डिपार्टमेंट का कोई बंदा गुजर है तो वी डोंट इवन बॉडर कि वो है या नहीं है, है हाँ और उसकी वजह से कल्चर जो था इंटरनली इट वॉज वर्स्ट आई कॉन्ट बिगिन टेलिंग यू कि हमने वहाँ पे कैफ़े शुरू किया तो लोग आपस में बैठ के खाना नहीं खाते थे मतलब आपको नज़र आना शुरू हो जाती है ना चीज़ें um, पहले तो मैंने बड़ी कोशिश की एच के लोगों को हायर करने से पहले मैं उनको थोड़ा सा ट्रेन करूँ लेकिन मुझे नज़र आना शुरू हो गया कि इनके अंदर इस एच के अंदर इखलाकी बुराई हैं यानी ये वार्निंग्स गायब कर लेते हैं क, आ, फाइल्स में से तनख्वाहें लोगों की इधर उधर से करके कर लेते हैं बेतुके फ़ाइनस लोगों के ऊपर ऐड कर देते हैं जिससे हमारी तो ये इखलाकी बुराइया हैं एच आर की नहीं ये नहीं ठीक हो सकती मजे की बात वो सारे लोग जिन जो एचआर के प्राण लोग आज मेरे दोस्त हैं और अब मैं जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस में वो हैं वहां पर वो बिल्कुल ठीक है लेकिन चूंकि वो सारे इकट्ठे बैठे थे तो दे डिड नॉट बॉर्डर टू चेंज एनी थिंग अबाउट दमसेल्व और चूंकि दे डिड नॉट चेंज एनी थिंग एट ऑल तो क्या हुआ स्टैग्नेंसी हो गई और खड़े पानी में से तो सिर्फ वो आती है ठीक तो वो अपने ना चाहते हुए भी बुरे से बुरे होते चले जा रहे थे इतने हद हाँ तक कि उनको अच्छी बात बुरी लगती थी तो वो आपस में नो पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते अच्छा बाय एंड बाय चेइन द एंटायर टीम टू तो बी वन ईयर अच्छा वो टीम भी मैंने चुन चुन के वो लोग लाई थी जो कि अच्छे मिजाज के खुश लोग हों अंदर से खुश लोग हों ताकि वो एक दूसरे से मिलने में खुशी महसूस करें मेरा शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया ये बन गया था कि देखने में सही नज़र आते हों खुशबाश बच्चे हों और uh, कुछ करना चाहते हो जिंदगी hmm. में बस उनमें से कुछ ऐसे थे जिनका करियर में गैप भी था कुछ ऐसे थे जिनके एजुकेशन में भी गैप था मैंने उसको भी इग्नोर कर दिया मैंने कहा नहीं आ जाओ इन जस्ट टू ईयर्स द डिफरेंस वॉज दैट एवरीबडी यूज टू लव इच अदर लाइक एन एफेंट एवरी यूज़ टू ड्रॉप बाय एच आर जस्ट टू हेलो हाई ठीक एच आर में हमने एक लूडो की टेबल लगाई हुई थी जब किसी को काम शाम प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है हमें पता होता था कि इस डिपार्टमेंट में कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है तो हम ख़ास तौर से लूडो की महफिल चल जाते थे उन लोगों के साथ बड़े वो रिलकटेंटली पहले शुरू शुरू में बाद में वो कहना शुरू कर यार दिस इज़ सच अ रिलीफ क्योंकि हम ये करते हैं तो उसके बाद हम ज़्यादा और ज़्यादा जाके काम करते हैं सो so, सिर्फ अब देखिए मैंने वहाँ तक पहुँचने में क्या क्या किया एक्सपर्टीज चेंज की एच का कल्चर चेंज किया एच का पहले और फिर उस एच के लोगों से कहा कि अब जाके मिलो लोगों से उन लोगों ने सिगरेट स्टेशन्स पे वाटर स्टेशंस पे लोगों के पास जा जा करके अपनी दोस्तियाँ बनाई तो वो फिर जो खड़ा पानी था वो खड़ा नहीं रहा ना वो स्टेगनेंट नहीं हुआ वो फ़्लो में आ गया तो वो उस फ्लो में आने तक अब जा कर के अगर मैंने ये बात की कि जी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में वेमेन डे सेलिब्रेट होना चाहिए लोगों की बर्थडे सेलिब्रेट तो इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू पीपल अगर मैं ये आते ही करती तो टॉक्सिसिटी के साथ में शायद ये दिन बन जाता या लोग सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के, के लिए कुछ कर लेते लेकिन दिल से शरीक ना होते और ये वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पहली दफ़ा जब हमने लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया था तो लोग आए ही नहीं थे मीटिंग के लिए लेकिन जब दो साल के बाद इस सारे लोगों ने पूरी टीम ने एवरी सिंगल पर्सन कॉन्ट्रीब्यूटेड तो हमारा वो वेमन डे हुआ था तो वेमेन डे में ज़्यादा ख़ुत से ज़्यादा मर्द आए हुए थे सिर्फ़ हल्ला गुल्ला और खेलने के लिए ठीक है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाके हमने परफॉर्मेंस सिस्टम इनिशिएट किया पॉलिसीज़ के ऊपर काम शुरू किया बहुत मेजर चेंज ये लेकर के आए कि फ्लेक्सिबल अटेंडेंस सिस्टम लेकर के इतनी पुरानी पचास साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पर लोगों के पैसे कटते हों लेट होने में फ्लेक्सिबल सिस्टम का लाना जुए शीर लाना ठीक है मतलब क्या है तो हमने फ्लैक्सिबिलिटी ऐसे थोड़ी लाई थी कि जब दल चाहे आ जाओ हम फ्लेक्सिबिलिटी लाए थे कि जो अब अब हमने दोनों को बैलेंस रखना था ना आप देखिए सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन जो चेयरपर्सन है वो ये कह रहे हैं कि आ, लेकिन इनको टाइम का पाबंद होना चाहिए वो पुराने के हैं और हैं भी एजुकेशनल इधारे के तो बहुत ही पुराने ख्याल के हैं तो हमने कहा कि ठीक है हाउ मच टाइम डू यू वांट लोग स्पेंड करें वॉब उन्होंने कहा साढ़े आठ घंटा तो हर बंदे का होना चाहिए और आधे घंटे की मैं लंच ब्रेक देती हूँ चलो एक घंटा वो कर लो तो आठ घंटे तो लाजमान हर एक का तो 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 मैंने कहा यही चाहिए ना आपको नहीं रिलैक्सेशन थी पहले पंद्रह मिनट थी रिलैक्सेशन थी तो हर कोई अवेल करता था आता ही लेट था ठीक है हालांकि तीन रिलैक्सेशन अवेल करने पर एक छुट्टी भी कटती थी इतना सख्त सिस्टम था वहाँ का तो हमने एक तो रिलैक्सेशन ख़त्म कराई सबसे पहली बेट क्या दी हमने चेयरपर्सन को थी रिलैक्सेशन क्यों हो रही है होनी ही नहीं चाहिए जब जिस टाइम है आने का उस पर आए तो शी वॉज़ लाइक हाँ यार ये बात तो सही है ठीक है फिर हमने तीन स्टेप्स में फ्लेक्सिबल सिस्टम दे दिया नहीं लकास मेरा ओल्ड एम्प्लॉयर भी है मेरी पहली जॉब एज अ टीचर लकास है जैनब डॉक्टर जैनब के ज़िंदगी की बात है सो so, ये बात की और एक और इदारा उसमें हमने कहा कि जी आपके पूरे हेड ऑफिस के लोग में से कोई भी जो एकेडमिक के लोग हैं ख़ास तौर से फाइनेंस के जो लोग हैं जिनको डायरेक्टली ब्रांच के साथ लिंक होना होता है पर सप्लाई चेन के एचआर के ऑडिट के वो अदारे ऐसे हैं जो लेट भी आ जाएँ डिपार्टमेंट तो उनका डायरेक्ट ब्रांच के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता वो बैक एंड के लोग हैं आईटी के लोग भी बैक एंड के लोग हैं फ्रंट एंड के लिए एकेडमिक्स और फाइनेंस ये दो आपके एज अ मस्ट आने चाहिए तो हमने उनको दे दिया जी साढ़े सात बजे भी बंदा आ सकता है बड़ी खुशी हो इनको ये बात सुन करके साढ़े सात बजे भी आ सकता है साढ़े आठ बजे भी आ सकता है साढ़े नौ बजे भी आ सकता है साढ़े नौ आने वाला इस टाइम तक जरूर बैठेगा साढ़े आठ आने वाला इस टाइम तक जरूर बैठेगा साढ़े सात आने वाला इस टाइम तक बैठेगा काइंड kind ऑफ of. लेकिन अगर आप देखें तो चाहे वो साढ़े सात आए या चाहे साढ़े नौ आए दस बजे से लेकर चार बजे तक हर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है जो कि पीक आपका परफॉर्मेंस टाइम है तो वो भी जो फ्लेक्सिबिलिटी में यही करना होता है ना कि आपने अपने पीक टाइम्स को कवर करना होता है अच्छा इसे दो फायदे हुए एक तो उनको ये फ़ायदा था कि अच्छा हाँ यार साढ़े सात बजे मेरी टीम भी आ रही है शी वॉज वेरी हैप्पी विद डैट दूसरा फायदा ये था एम्प्लॉयीज़ को क्योंकि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ चूंकि बहुत पुराने एम्प्लॉयीज़ थे तो उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे थे तो वो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके अब नौ बजे फिर आते थे तो उनको जब जैसे बच्चे को ड्रॉप किया स्कूल आए बच्चों के साथ स्कूल वापस भी चल घर वापस भी चले देव आर वेरी हैप्पी कि भाई हमारा तो वर्क लाइफ सिस्टम भी बिल्कुल ठीक हो गया अब अगर मैं किसी से कहूँ कि जी लेट सेटिंग करनी पड़ेगी यार आजा और आराम से करेंगे तो तो हाँ ठीक अच्छा ये चीज़ें करने के लिए वॉट डिड वी हैव टू डू वी हैव टू डू द रिसर्च इंटरनली एम्प्लॉयज से बात की एम्प्लॉयर के मिजाज को समझा फिर पुरानी क्योंकि 50 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है तो 50 सालों में कौन कौन सी अटेंडेंस पॉलिसीज आती रही हैं ये तो हमें कंफर्म था कि भाई होता रहा है अटेंडेंस सिस्टम्स के अंदर जादू तो हमने उस सारों को समझा करके और फिर जब केस प्रेजेंट किया तो पूरे केस में पूरी रिसर्च हमने की हुई थी इतने लोग इस टाइम पर आ सकते हैं इतने लोग आ सकते हैं और हमारा प्रोडक्टिविटी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी सो so, हम भी सिर्फ इनिशियल और आइडिया लेके नहीं चले गए थे डिड द डेटा क्रिएटेड एन एटमोसफियर फॉर इट क्रिएटेड रिलेशनशिप विद द पीपल देन केम एन आइडिया दिस इज हाउ द स्ट्रेटेजिक एच आर वर्कस अब मैं ये कहूँ कि क्या वो वाकता स्ट्रेटेजिक एच आर में कन्वर्ट हो गए थे नहीं लेकिन वो एच आर जो बिल्कुल ट्रांजेक्शनल एच आर था और जैसे सब नफरत करते थे इट इज स्टार्टेड कन्वर्टिंग इन टू अस्टेड एच आर फिर अगर हम इसको कंटिन्यू करते रहे करते करते रहे करते रहे तो फिर एवेंचुअली यू विल कन्वर्ट इन टू स्ट्रेटेजिक एच आर समझ आती है ये बात सो वी डू नॉट नीड टू थिंक कि वी कॉन्ट डू एनी थिंग वी कैन डू इट। हम यहां पर क्या देख रहे हैं एक बिगर पिक्चर लेकिन इस बिगर पिक्चर से हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि मैं अपनी कैपेसिटी में ले सकता हूँ या ले सकती हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेरा एच अभी मेरे साथ खड़ा हो बट इफ यू एज एन एम्प्लॉई आप तो बिल्कुल इनिशियल करियर में ना टू टू थ्री ईयर्स के करियर के में आपके पास इतनी पोजिशनल पावर नहीं होती कि आप लोगों को कन्विंस कर लें लेकिन जब आप एक या दो ऐसे प्रोजेक्ट्स करेंगे जिससे लोग एच को पॉजिटिव कहना शुरू होंगे तो नेक्स्ट टाइम बॉस आपकी बात सुनेगा समझ आती है ये बात ऑल ने राइट नेक्स्ट मूव करते हैं इसके ऊपर सो so, आज हम ये पढ़ना चाहते हैं कि आ, एस एच आर एम के कंपोनेंट्स हैं क्या ठीक यानी एक अच्छा एस एच आर एम में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि होना ज़रूरी है। सो so, अगर आगे चलें आप एक जो कंपनी है आ, हमने कल भी ये बात की थी कि एच आर का सेंक्शन क्या है पॉलिसी पुलिसिंग करो रेगुलेटरी वॉचडॉग करो पेपर वर्क को हैंडल करो ब्यूरोसी को हैंडल करो और एडमिनिस्ट्रेट कंपनसेशन डिसीजन मेड बाय अदर्स यही हम कर रहे हैं सारे सारे राइट right? अच्छा लेकिन मैंने यहाँ लिखा क्यों कि एच आर इज वेदर इट्स है के एच आर और ट्रेडिशनल एच आर एच आर इज रिक्वायर्ड टू डू दैट फर्क क्या है इंटेंशन का ट्रस्ट का अलाइनमेंट का एंड प्रोसेस का ठीक है जहाँ पे वो थोड़ा बेहतर हो जाता है एच तो वहाँ क्या होता है कि वो कहते हैं ठीक है, है रिक्रूटमेंट भी आप कर लें वो कहते हैं जी हमें कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बना करके दे दें हमने लोगों को ट्रेन करना है तो आप बताएं वो आते रहते हैं आपके पास या वो ये कहते हैं कि जी वर्क प्लेस डाइवर्सिटी बढ़ाएँ वो हमें और ख़वाीन हायर करनी है हमें डिसेबल है अभी भी ये ट्रेडिशनल एच लेकिन थोड़ा सा एच का ट्रस्ट बेहतर हुआ है लेकिन क्या ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है, की एक्चुअल रियल वर्क से ताल्लुक रखता है इनका एच आर सपोर्टिंग रोल तो है लेकिन जो स्ट्रेटजिक एच आर है वो सपोर्टिंग रोल नहीं होता वो बिजनेस को सपोर्ट बिजनेस को एक्चुअली लीड कर रहा होता है अब बैक बोन बन जाता है यानी ऐसा हो अगर कि इन्हीं के आ, इरी की इदारे की ले लेते हैं एग्जाम्पल कि ये स्किन केयर प्रोडक्ट बनाते भी हैं और बेचते भी हैं एच आर ये बताने के काबिल हो कि मेरे पास ये और टैलेंट मौजूद है तो आप अपनी ये प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं अब अब बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की आई समझ में वो कब करेगा एच आर एफिशंसी हो सकती हैं इस टैलेंट के साथ हम इतना बंदे हैं अगर हम इनको इस जगह लगा दें और इनको इस जगह लगा दें तो हम ज्यादा बेहतर कर ये बिजनेस मतलब मतलब कुछ

बात कर लेंगे हम बाकी सब सब लोग मतलब के लिए आ, मतलब मैं रोशन पैकेज से हूँ हम अगर, अगर प्रैक्टिस करेंगे हम आ, ना उनको कर सकते हैं, ना हम उनको सैलिंग सिखा सकते हैं ना एफिशिएंसीज़ और वो जो उनकी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज है और नंबर ऑफ वो अगर इस तरह से करेंगे तो इंक्रीज कर देंगे और की प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा मसला ओवर टाइम का होता है आप कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए ओवर टाइम रिड्यूस करके एफिशिएंसी बेहतर बना सकते हैं आप एफिशियंसी को इंप्रूव करके वेस्ट रिड्यूस करवा सकते हैं दैट्स बिजनेस आप परफॉर्मेंस सिस्टम सिर्फ पेपर फिलिंग से उठा के लेके जा सकते हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशन का पेन पॉइंट क्या है प्रोडक्शन के साथ बैठ करके बात करें और कहेंगे जी इस दफा सबके के KPI में ये तो लाजमन डाल दें जैसे मैंने किया तो सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ मैं काम कर रही थी उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट था वेस्ट हम yes. देखा जी वेस्ट रिडक्शन पे काम करते हैं अगर ये पेन पॉइंट है तो इसी पर काम करते हैं फिर वेस्ट के टारगेट मतलब के वेस्ट वेस्ट के बनाए और वेस्ट का टारगेट एच का भी बनाया एच okay. आर ने क्या इनिशिएटिव लिए जिससे वेस्ट के ऊपर इंपैक्ट आया फॉर एग्जाम्पल एच आर ने वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कराई 25 लोगों की ट्रेनिंग कराई इन 25 लोगों का वेस्ट का टारगेट रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ वो एफिशिएंसी एचआर की ही है ना लेकिन ये एचआर कब करेगा जब एचआर के पास ये डेटा होगा सो दैट इज व्हाट यू ऑल कैन डू इन योर कैपेसिटी इसके लिए एच की जरूरत नहीं है एचओडी को आप ये आइडिया फ्लोट कर सकते हैं इसका आप अपने प्रोडक्शन के लोगों के साथ मिलकर के फर्स्ट करें कि आपको इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता लेकिन आपका रिलेशनशिप बिल्टअअप होना शुरू हो जाता है विद द प्रोडक्शन दे विल कम एंड स्टार्ट टेलिंग यू देअर प्रॉब्लम आपका प्रोडक्ट नॉलेज बेहतर हो जाएगा हो सकता है कि कल को आप ये सोचे कि यार मैं छोड़ो एच आर में ये काम शुरू कर योर करियर बिल्डिंग कैसे है राइट प्रॉफिटेबिलिटी से एच आर का ताल्लुक जो है वो ये नहीं है कि वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है देखिए एच आर के साथ प्रोडक्शन uh, की लड़ाई ही यही होती है कि आप हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं बाय नॉट गिविंग एज द रिक्वायर्ड हेड काउंट और बाय इंक्रीजिंग आवर हेड काउंट उन्होंने प्रेजेंट कर आपका काम हेड काउंट को रिड्यूस करना कब होगा जब ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल टारगेट हो कॉस्ट एफिशिएंसीज लाना। अदरवाइज आपका क्या काम है कि प्रोडक्शन की लाइंस पर अगर पंद्रह बंदा रिक्वायर्ड है तो पंद्रह बैठा है जो पंद्रह बैठा है उसका प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है दैट्स योर टारगेट उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए आपने फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस सिस्टम ऐसा बनाया कि वो प्रोडक्टिविटी को मेजर करे आनिया जानिया ना मैजर करे बहुत सारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि मेजर करे होते हैं उसने तो कितने टाइम पर आया था बिहेवियर कैसा था साथ सलाम किए थे आते ही कि नहीं किए थे उस उस प्रोडक्ट परफॉर्मेंस सिस्टम की एक जिसको आप एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी कहते हैं उसी कोई वैल्यू नहीं होती तो पहले बिजनेस को समझें मेरा मैं एक बैंक में काम कर रही थी तो मेरा आ, मैं वहां पर ओ और लीडरशिप देखती थी एच का जो बंदा था उसके बैंक के हजरत से हमेशा लड़ाई रहती थी क्योंकि वो बात ही सिर्फ यही कर रहा होता था तुम अपनी वर्कफोर्स रिड्यूस करो उस बैंक में तुम्हारी उस ब्रांच में तुम्हारी बड़ी वर्कफोर्स है इस ब्रांच में तुम्हारी गुवर्को वो कहता यार तुम्हें क्या लेना देना मेरा ऑपरेशन मुझे पता है कि मुझे कितनी वर्कफोर्स चाहिए मुझे इतना टोटल बजट सेंशनड है कहते जी ये बजट तुम क्यों इस्तेमाल करो तुम ये बजट क्यों नहीं इस्तेमाल कर ओ भाई क्यों वजह के पंगे ले रहे अब मेरे पास वो आ गया हजर कहते यार मैं इसे कैसे जान रहा मैंने कहा बड़ा आसान तरीका है आप मैंने अपनी बॉस के खिलाफ उसको एक टिप दे दी थी मैंने कहा कि जी आप ऐसा करें कि आप उनसे कहें कि जी वर्क फोर्स मैं तुम्हारी मान लेता हूँ तुम अपनी तरफ से ये डिज़ाइन करके दो कि कमीशन सिस्टम क्या होगा फ यू कैन डिजाइन द कमीशन सिस्टम फॉर माई टीम आई विल अग्री ऑन योर वर्क फोर्स प्लान वो दिन और आज का दिन है कभी लड़ाई नहीं हुई <laughs> क्यों क्योंकि कमीशन सिस्टम जो है वो एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिजाइन करना बिकॉज वो एक कंपनसेशन एंड बेनिफिट का पार्ट है रिवॉर्ड सिस्टम है इंसेंटिव सिस्टम जो है वो डायरेक्ट एच आर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जब वो एच ये काम करेगा तो जो प्रोडक्शन है या जो सेलिंग uh, है या जो ऑपरेशन है तो वो कहेगा ठीक है फिर मुझे uh, ज्यादा लोगों को पैसे मिलने चाहिए तो मैं बंदा रिड्यूस करने को तैयार यू सी यू हैव टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड टू वर्क वे सो एच को एस एच बनने के लिए क्या करना है नंबर वन दे हैव टू बिकम पार्टनर इन द स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन ये जो सारी बातें मैं कर रही हूँ ना कॉम्पन्सेशन सिस्टम कल्चर फिक्सिंग थिंग्स कस्टमर एक्सपेक्टेशन प्रोडक्शन एनहैंसमेंट कॉस्ट रिडक्शन एफिशेंसी इंप्रूवमेंट दीज आर ऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी आपको उनका पार्टनर बनना पड़ेगा अब वो पार्टनर बनने के लिए क्या करना है सबसे अहम सवाल सो so, मैं एग्जाम्पल देती हूँ सो so, एक स्ट्रैटेजी है कॉस्ट एफिशेंसी दूसरी uh, है प्रोडक्टिविटी तीसरी है कस्टमर एक्सलेंस या जिसको हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं ये तीन आपकी बिजनेस की स्ट्रेटजीज़ हैं ठीक एच आर का इसमें क्या रोल होगा नाउ वॉट यू नीड टू थिंक येस आपके क्या क्या फंक्शन है हायरिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, कॉम्पेन बैन यही फंक्शन है ना और तो कोई फंक्शन नहीं है आपका चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो आप हायरिंग uh, को टैलेंट मैनेजमेंट कह लो ट्रेनिंग को टैलेंट डेवलपमेंट कह लो ऑपरेशंस को शेयर सर्विसेज कह लो कॉम्पेंट बैन को पेरोल कह लो बात तो वही है नाम कुछ भी हो सकता है वो शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है ठीक है इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट एफिशिएंसी अब इधर ए चार ये चार काम करना ज़रूरी है जैसे सबसे पहला काम क्या है कि बिकम द पार्टनर इन द स्ट्रैटी एग्जीक्यूशन अब थिंक अबाउट कितने लोग यहाँ पर प्रोडक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं प्रोडक्शन मैनुफैक्चरिंग के लोग बिल्कुल अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैंने प्रोडक्शन या मैनुफैक्चरिंग एन्वायरमेंट में कॉस्ट एफिशिएंसी करनी है तो मेरे पास क्या तरीके अब ये सारे काम कहीं से एच के लगते हैं ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया तो अब हम इसमें कैसे पार्टनर करें पहली सबसे सबसे अहम काम सो so, अगर मैंने मैं अपनी अपनी एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मैं ओडी में काम कर रही थी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मैंने 16 साल काम किया है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्योर स्ट्रेटेजिक एच होता है ठीक है मैंने ये पकड़ा सिक्स सिग्मा किया लीन के अंदर सर्टिफिकेशन की लोगों को सेवन वेस्ट के ऊपर ट्रेनिंग देनी शुरू की टिका करके खुद भी ट्रेन किया लोगों को बुला बुला करके सस्ती सी ट्रेनिंग करवाई वेस्ट मैनेजमेंट की फिर मैं लेकर के पहुंच गई अपना प्रपोजल की जी वेस्ट रिडक्शन के ऊपर इस दफ़ा काम होना चाहिए कन्विंस्ड ड माई बॉस कि जी ये अगर हम काम शुरू करते हैं एंड आई हैड द होल केस प्रिपेयर्ड कि जी लीन का क्या फ़ायदा है लीन इम्प्लीमेंटेशन का क्या फ़ायदा है और ये फिर उन्होंने कहा वो ठीक है वो कन्विंस हो गया खुदा का करना ऐसा था कि वो कन्विंस हो गए खैर उन्होंने देखा भी साल भर तक मैं ट्रेनिंग भी कराती रही तो उससे फ़र्क भी पड़ा और फिर हर तरफ़ अच्छा मैंने वेस्ट मैनेजमेंट चूज़ क्यों किया था मैं भी थोड़ी सी तेज़ हूँ ना इस मामले में कि मैं मेरा जो सी है वो हर वक्त वेस्ट 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 बात कर रहा था मैं तो यू हैव टू कीप योर ईयरस ओपन वॉट आर द बजवर्ड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन समझ आ रही है जो अच्छे स्मार्ट खासतौर से एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं चाहे वो ओल्ड फौजी हों या कुछ हो वो क्या करते हैं अपने कान खुले रखते हैं वो देखते हैं कि बॉस क्या बात कर रहा है वही रिपीट करना शुरू हो जाता है ऐसा है ठीक सो so उसको यूज़ करें अपने फायदे के लिए मैंने वेस्टक्शन पॉइंट से कहा कि जी हम ये काम शुरू कर दें दे अग्रीड आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग फाइट और वो कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट स्ट्रगल कॉन्स्टेंट स्ट्रगल में बट ऑन द सेम साइड आई कैप्ट ऑन प्रोवाइडिंग वन और टू कोर्सेज कोई रीडिंग मटीरियल कोई एक्टिविटी मैंने खुद चूँकि लीन का कोर्स किया खुद चूँकि सिक्स सिगमा का कोर्स किया तो मैंने कल्चर इंटीग्रेशन शुरू करा दी कल्चर में क्या काम करना शुरू कर दिया मैंने कल्चर पर एक इनिशिएटिव शुरू किया कि जो भी फ्लोर से लेबर पॉइंट और ये सिर्फ लेबर के लिए इनिशिएटिव था ये ऑफिसर्स के लिए नहीं था ठीक है लेबर्स के लिए मैंने कहा कि जी शॉप फ्लोर इनिशिएटिव है शॉप फ्लोर इंगेजमेंट इनिशिएटिव वो तो मेरे अपने हाथ में था ना डिजाइन करना अपने बॉस को कन्विंस करना है कि जी एम्प्लॉई इंग, इंगेजमेंट एक्टिविटी चाहिए और इतना जो है ना वो हमें बजट सेंक्शन कर दे बस अब उस बजट में और वो बजट मुझे मिला था आज भी याद है मुझे पच्चीस हजार का बजट था नाइन थाउजेंड की फोर्स के लिए <laughs> <laughs> तो हा, हा, स्मार्ट भी होना था तो पच्चीस हजार के लिए तो हमने कहा कि जी शॉप फ्लोर एक्टिविटी हम शुरू कराते हैं कि शॉप फ्लोर से जो वेस्ट को रिड्यूस करने के आइडियाज लेकर के आएगा उसको दे विल गेट अ सरप्राइज ठीक क्यों किया क्योंकि हमें मैंने ये सीखा था सिक्स सिग्मा में अपनी जो एजुकेशन हासिल की थी बेस्ट आइडियाज फॉर वेस्ट रिडक्शन कैन ओनली कम फ्रॉम द शॉप फ्लोर अच्छा अब था तो बजट पच्चीस हजार का कितने में मैक्सिम विनर दे सकती थी तीन तीन लेबर विनर्स को सिंधबाद के फैमिली टिकट सिर्फ दो हजार रुपए के पड़ते थे लेकिन द फैमिली टिकट फॉर अ लेबर विद यू नो उनके लिए ये एक बहुत खुशी की बात थी कि एक दिन की छुट्टी साथ में फैमिली टिकट सिंधवाद का सो धड़ा धड़ एंट्रीज फिर हमने इसको एक परमानेंट uh, प्रोग्राम बना दिया और फिर हमने इसको एक्सटेंड करना शुरू किया विद इन सिक्स मंथ्स दैट प्रोग्राम बिकेम द सिग्नेचर प्रोग्राम फॉर वेस्ट रिडक्शन इवन बिफोर द लीन वाज इम्प्लीमेंटेड दैट ट्रिगर्ड द एक्टिविटी कि उन्होंने फिर बाहर से बंदा बुलाया नाइकी से आकर के उसने सारी ऑर्गेनाइजेशन को लीन मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग मेरा काम हो गया अब मैं पीछे हट गई अब मैंने ये नहीं कहा कि जी मुझे क्रेडिट दें इसका क्रेडिट देने वाले पे बाद में खुद आए कि ये इसने शुरू कराया था एंड आई स्पेंड मच लेबर्स को एक बास्केट हमने दी जिसके अंदर दुनिया जहान की चॉकलेट और ये और वो क्योंकि वो हमें पता है उनको बच्चों को पसंद आनी थी साथ में अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स डाली सिंध बाद के दो टिकट डाले पच्चीस हज़ार का पूरा बजट हमारा यूज़ हो गया लेकिन उससे आइडियाज कहां से जनरेट हुए वेस्ट प्रोडक्शन के अब जो मैंने काम किया क्या वो एच का काम था नहीं क्या मैंने प्रोडक्शन का काम किया नहीं वॉट वॉज माई रोल इनेबलर सो दैट इज हाउ योर थिंकिंग शुड बिकम क्या करना है आपने अब मैंने खुद नहीं करना मैंने आइडिया ऐसा लाना है कि लोग इनेबल हों To work with the business partnering of business, ताकि आपको ये ना कहा जाए कि आप मेरे काम में दखल दे रहे हैं। अब देखिए प्रोडक्शन मैनेजर की एक नेचर होती है प्रोडक्शन मैनेजर की नेचर ये होती है कि मेरी टीम को सबसे ज़्यादा अहमियत मिले मेरी टीम मेरे काबू में रहे क्योंकि मैं माई बाप हूँ उस टीम का क्योंकि उसने उससे काम लेना है अगर एच आर ये कहे कि जी मैं काम खुद करना चाहता हूँ तो वो तो एचआर को ठुड्डे तो मार के निकाल देंगे लेकिन एचआर प्रोडक्शन हेड के पास जाए कि जी मैं ये इनिशिएटिव लेना चाहते हूं ताकि इनकी इंगेजमेंट इंप्रूव हो जाए ताकि आपकी प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाए गेम फ्लिप हो गया दैट्स वॉट स्ट्रेटेजिक एचआर सेकेंड पार्ट बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट अगर मैं ये सारे काम करने में बहुत पेश पेश हूं लेकिन एचआर का हर काम डिलेड है नो बडी विल डू एनी थिंग फॉर मी लीव सेंक्शन नहीं हो रही हैं लोगों को एक बड़ा कॉमन लोगों को एच से शिकायत होती है वो ये होती है कि जी एच आर नहीं करता ठीक है अगर एच आर ऐसा एच आर है तो सबसे पहले वो फिक्स करें अगर एच की चीज़ें लोगों को एक्सेस नहीं है एच बात नहीं सुनता एच फ़ोन नहीं उठाता एच आर ई मेल नहीं उठाता ई मेल का जवाब नहीं देता अपने प्रोसेस को एक्सेलेंट नहीं किया हुआ तो फिर नन ऑफ द प्रीवियस स्ट्रैटी वर्क बिकॉज दे एक्सपेक्ट यू टू बी एन एक्सपर्ट इन योर जॉब फर्स्ट तब आप बिजनेस के ऊपर बात करें ठीक है मेक सेंस थर्ड बिकम एन एम्प्लॉय चैंपियन जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होना था लोएस्ट केडर ऑफ द एम्प्लॉय को जब लोएस्ट केडर ऑफ द एम्प्लॉय गेट्स द सेटिस्फैक्शन फ्राम यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेटिंग द रिक्शन अब वो बास्केट कहीं छुपा के थोड़ी उसको मिलनी थी वो तो हमने जाके सी को कन्विंस किया था कि जी आ, वो ही वॉज प्रो लेबर हमें पता था कि जी लेबर्स के लिए हम कोई काम इनसे कहेंगे ना तो वो करेंगे हमने पूरा प्रोसेस डिजाइनर से किया था कि जो भी विन करेगा फर्स्ट विनर को सी देंगे बास्केट सेकंड विनर को सी देंगे और थर्ड विनर को प्रोडक्शन हेड देगा ना एच कहीं नजर आएगा ना ओडी कहीं नज़र आएगा ना कोई और नजर आएगा इेलिवेंट बंदा तो ये विन इन सिचुएशन बनी ना क्योंकि तमाम लेबर्स के लिए आई एम नो वन उनका बॉस इज़ एवरी वन जिसने उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल साइन करना है जिसने उनका इंक्रीमेंट साइन करना है मैं अगर ड्यूरिंग द ईयर एज एन एम्प्लॉयी सोचूं, अपने बॉस के सामने आइडिया चैम्पियन के तौर पर आ जाता हूं, तो मैं मुझे एच ने मौका दिया तो कल को जब कोई एच आर की बुलाई करेगा तो यही एम्प्लॉयी चैम्पियन उठ के कहेगा नहीं यार एच के काम अच्छे हैं दैट्स वॉट एम्प्लॉयी चैम्पियनशिप इज़ इट्स नॉट सिटिंग टूगेदर गप्पे मारना इट्स नॉट अबाउट हैविंग फन विद पीपल फन हैज टू हैव अ मीनिंग बिहाइंड इट द एंड ये लोगों को नजर आना चाहिए इट इज़ फॉर मी इट इज़ नॉट फॉर एच आर कल यहाँ पर किसी ने कहा था कि जी आपने कहा था शायद कि सर्वेज पर हमें बता रहे होते हैं कि आप ये इन कर लो फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी है ना क्योंकि वो एक आपके पास जिसने विन किया होगा वो तो श्योर शॉर्ट लिखेगा और वो पांच लोगों से और कहेगा सो दैट्स वॉट एम्प्लॉय चैंपियनशिप इज ऑल अबाउट एंड बिकम द चेंज एजेंट सो अ स्मॉल एक्टिविटी विच ट्रिगर्ड अ बिगर चेंज इन दर्गेनाइजेशन राइट आई वॉज नॉट हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट दैट जस्ट अ सो पॉइंट यह है कि आप सब कुछ ये कर सकते हैं थोड़ा सा इधर स्ट्रैटेजी लेकर आए राइट right? ये ना सोचे तो तनख्वाह में बस ये काम होता है क्योंकि इन दी एंड मुझे क्या फ़ायदा हुआ आज आई कैन राइट इन माई सी वी दट आईम ऑफ सिक्स मार चैम्पियन राइट मुझे भी तो फ़ायदा ही हुआ ना भले मैंने पैसे अपने खर्च किए अगर मैं एच आर पे फोकस रखती तो क्या मैं सिक्स सिग्मा सीखती नहीं क्या मैं लीन इम्प्लीमेंटेशन सीखती नहीं एक एग्जांपल दूँ मैंने टेलीकॉम में काम किया है तो टेलीकॉम में कस्टमर एक्सीलेंस के अंदर मैंने कस्टमर एक्सपीरियंस इंडेक्स बनाया था मैंने नहीं बनाया था बनाया मैंने तो लेकिन मैंने नहीं बनाया था ऑल द पीपल हु वर इन्वॉल्व इन ऑल द टच पॉइंट्स ऑफ द कस्टमर आई मेड फ्रेंड्स विद दैम एंड देन वी केम अप अपट टुगेदर एन आइडिया कि यार ये टच पॉइंट्स के ऊपर जो ना हमारे पास ये 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 ये, 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 ये डाटा होता है वट आई डिड आई कलेक्टेड फ्रेंडली बेसिस कलेक्टेड दैट डेटा फ्राम दैम प्रजेंटेड कि अगर हम ये एक जगह पर डाल दें उन्हीं को किसी और को नहीं उन्हीं को कि अगर हम ये एक जगह के ऊपर डाल करके डाटा इस तरह से देखें तो ये देखो हमारा ये कस्टमर स्टैंडिंग है ठीक ऑन द बेसिस ऑफ दैट द सेल्स हैड द कस्टमर हैड ही सेड वाई डोंट वी इनिशिएट द प्रोजेक्ट लाइक दैट लेट्स डू इट यू बिकम द चेयरपर्सन ऑफ दैट प्रोजेक्ट आई विल नॉट बी सर हाँ यार वाकई क्यों नहीं भाई क्योंकि इफ आई विल बी लीडिंग इट एवरी वन विल नो दैट आई एम द कस्टमर चैम्पियन आइडिया मेरा है Am I married to that idea? No. What I am doing is nobody can steal my light. You have to be very, very satisfied with this statement. Nobody can steal your light. Share your light with others. They will shine you. I understand. But don't do it stupidly. डोंट कीप शावरिंग द आइडियाज़ वैन टू पीपल जो कि आपको इंक्लूड नहीं करेंगे वो कौन लोग होंगे जो आपसे आइडिया लेकर उस वक्त तो आपको तारीफ नहीं करेंगे उस वक्त तो एक्साइटमेंट नहीं शो करेंगे उस वक्त आप हाँ कहेंगे यार तुम्हें क्या दो काम करने की फिर वो किसी बोर्ड मीटिंग में अपने आइडिया के तौर पर उसको पेश कर रहे होंगे बी अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल ऐसे भी देखते हैं हमें पता होता है उन सबका राइट डोंट लेट दैम डू दैट टू यू एज वेर ठीक फाइंड लाइक माइंडेड पीपल एंड देन वर्क फॉर इट डज दिस अपील टू यू एज अ ये तो सब अग्री करते हैं ना ना, ना ये तो गिवन है एच ने क्या करना है कल मुझसे सवाल किया था कि एच आर ने करना क्या है एच ने नंबर वन ये सात काम अगर एच ने कर लिए तो वो ट्रेडिशनल एच से ट्रांसफॉर्मेशनल एच आर बन जाएगा अच्छा यह जरूरी नहीं है कि सातों के सातों एक ही सीरीज में हो। तो रिमेंबर वट एवर आप बना रहे हैं उसको आप ऐसे डिजाइन करेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस का हिस्सा बन जाए चाहे वो कितना ही छोटा सा काम क्यों ना हो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक छोटा सा काम ये है कि यार आप आते हैं अटेंडेंस वो जिस वक्त आप आ रहे हैं ना इंटरव्यू के लिए अगर आपका सेकंड इंटरव्यू है ये तो आप ऐसा करें कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले ही अपलोड कर दें ऑन दिस पर्टिकुलर फोल्डर इसके लिए हमें किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है लेकिन इससे होगा क्या कि ऑन बोर्डिंग प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा और आपने एक छोटा सा प्रोसेस चेंज कर दिया कोई मेजर चेंज नहीं है बट दैट चेंज विल कीप ऑन हैपनिंग सो इफ यू हैव डन दैट you have one done one part of the strategic HR. Remember, Rome was not built in one day. ठीक है? Introduce employee self service. सबसे बड़ा काम. Employee self service क्या होता है? Basic request. रोज की कॉल आ रही होती हैं employees की. क्या कॉल आती हैं? Experience letter, no problem. Onboarding में bank को medical request करना. नहीं सब कुछ होता. है? और ये आपका सबसे बड़ा पेन पॉइंट है आपका अपना सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कि इनसे जान ही नहीं छूटती है yes. हर ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑटोमेट कर सकती है yes. करती है नो no. तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए अब थिंक फ्रॉम द एम्प्लॉय चैंपियन माइंड सेट शेयर फोल्डर आई से गए बनाए थक करके उसमें डाल दिया करें नंबर वन पेसलिप्स लोगों को चाहिए होती हैं स्लिप्स के लिए रिक्वेस्ट को ऑटोमेट करवा दें वो ईमेल पे ऑटोमेशन हो सकती है मेडिकल भी ईमेल पे चला जाता है ऑटोमेट बेसिक एच आर ऑपरेशन आपको मैंने ऑटोमेशन का एक तरीका बता दिया देर आर मैनी अदरवाइज एज वेल और अगर कुछ नहीं हो रहा अगर आप ये भी नहीं काम करा सकते वर्क प्लेस एट फेसबुक इज फ्री फॉर लाइफ वर्क प्लेस एट फेसबुक का बड़ा ही आसान तरीन तरीका है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सबके ईमेल एड्रेसेस हैं वर्क प्लेस एट फेसबुक सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल एड्रेस पे चलता है ठीक है अब आपको पता है कि मैसेंजर के अंदर बॉर्ड बनाना दुनिया का आसान तरीन काम है ठीक है आपकी जितनी एंगेजमेंट समझे आपने फेसबुक ही आपका फेसबुक है लेकिन फेसबुक पर आपके फ्रेंड्स के बजाय एम्प्लॉज हैं उफ, सारे ऑफिशियल हैं उनके साथ आप क्या क्या कर सकते हैं छोटे छोटे पोल हो सकते हैं फेसबुक के ऊपर hmm. रोज़ के हिसाब से एक एम्प्लॉ सर्वे रन हो सकता है ठीक है आप बॉट्स बना सकते हैं मैसेंजर का एच का किसी को क्वेरी या आस्क एच का एक उसके ऊपर बना दिया मैसेंजर के अंदर आपने चार सवाल सेट करने होते हैं मैसेंजर की ऑप्शन में जा कर के कि जैसे कोई आपको हाइक है तो ये चारों में से कोई सिलेक्ट कर ले देखा होगा आप लोगों ने वो कर सकता गूगल डॉक पर आ सक अटैच कर सकता बहुत कॉमन है ठीक है ये काम आप कर सकते हैं लोगों को एक डायरेक्ट एक्सेस टू एच मिल जाती है ईमेल जो कोई नहीं उठाता उसके बजाय एक मैसेज काम कर देता है एंड दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट शिफ्ट योर माइंड सेट कि मैंने जो है वो एम्प्लॉ ऑपरेशन को ईजीएसट कर देना है डॉक्यूमेंट सारे स्कैन करें डालें यार ये पड़ा हुआ जाकर के ले लो इसमें से स्पेंड करके मुझे सेल कर देना सेंड कर देना मैं कर दूँचन हम इतनी सारी बातें कर तो रहे मतलब तो हाँ हैं प्रैक्टिकली मैं आपको ये सारे वो नहीं, जो मैंने नहीं इसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग नहीं कर रहे बहुत सारे लोग ना पता क्या सोच रहे हैं ना नॉर्मल तेलों का नादा ना चाहिए इतना मुश्किल चीज नहीं है मैम क्या बताओ तो तो वो इंप्लीमेंट इतना किया उन्होंने कोशिश ही नहीं करी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अभी मेरी पिछली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वन मिलियन का बजट था उनके नहीं उनका था ट्वेंटी सिक्स मिलियन का बजट था फॉर इंश्योरेंस तीन हजार लोगों के नॉर्मल बजट लेकिन वही हमने बनाया हुआ ए बी सी सी वालों को सबसे कम मिला हुआ बी वाला ये क्या कर रहे हैं आप लोग अगर और कोई तरीका ही नहीं जी, क्यों कोई तरीका नहीं है बुलाओ इंश्योरेंस वालों को बुलाया हंड्रेड परसेंट लोगों को एग्जैक्टली exactly एक जैसा सी से लेकर के ऑफिसर्स तक को एक ही जैसा इंश्योरेंस पैकेज विदाउट चेंजिंग अ सिंगल बजट पैनी ऑल आई डेड वॉज नेगोशिएटिंग हमने सोच लिया है कि ए बी सी ही हो सकता है हमने ये नहीं सोचा कि यूटिलाइजेशन निकालो कितनी है सो so जो मैं आपको बात कर रही ना यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन योर फील्ड सो दैट यू नो वेयर इज द पॉकेट आई समझ में बात इंश्योरेंस का अगर अब क्यों नहीं होता उसकी रीजन बता देती हूँ इंश्योरेंस में हमने सबसे माठे बंदे को इंश्योरेंस पकड़ाई भी होती है क्योंकि वो बेकार का काम है ना उसको इंश्योरेंस का पता होता है ना उसको फाइनेंस का पता होता है ना उसको एचआर का पता होता है वो बस पेपर फे पुशिंग कर रहा होता है एचआर जब इंश्योरेंस हाथ में लेता है तो वो ये देखता है कि यार इंप्लॉई को बेनिफिट क्या हो रहा है इंश्योरेंस के तो आप गले पर पाँव रखे चीजें निकलवा निकल सकते हैं वो नहीं हुई, उसकी कुछ नहीं हुआ। तो है रिन्यूअल के वक्त आप टिका कर जान छुड़ाएंगे ए बी सी वाले तरीके से यार क्या मतलब है जितना मैं बीमार होती हूँ उतना ही मेरा बॉस बीमार होता है जितने की मेरी दवाएं आती हैं उतने की तुम्हारी दवाएं आती हैं तो इसमें कौन सी ऐसी भाई ना जाए ओवर द बोर्ड कन्विंस करें इन पांच लोगों को दस लाख देने के बजाय पच्चीस लोगों को पांच पांच लाख दे दें बजट तो वही रहेगा ना थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स डोंट से कि जी ये चूंकि हो रहा है तो हम ऐसे कर रहे हैं इंश्योरेंस के साथ आप और क्या कर सकते हैं विदाउट इन करेंगे एनी कॉस्ट उंट्स डिस्काउंट लैब्स के डिस्काउंट टाइम रिड्यूस करवाए लोगों का प्रोसेसिंग टाइम रिस्पांस टाइम कैसे दिये? मैंने करवाया है करवाए जी हम महीने में दो दफा लेते हैं कि जी क्यों लेते हैं महीने में तीन दफा लें दस तारीख को जो देगा उसको मैक्सिमम पंद्रह तारीख तक मिल जाना चाहिए क्लेम छोटी सी सर्विस है लेकिन वॉट यू आर डूइंग इज बिकमिंग एन एम्प्लॉई चैंपियन राइट दीज आर द थिंग्स दैट स्ट्रेटेजिक एच आर डू और ये सारे डुएबल हैं हमारी अपनी कैपेसिटी में डुएबल हैं प्रैक्टिकली डुएबल है आपको पता है मेरे पास मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से आई हूँ जिनको पता ही नहीं था कि कार्ड भी होता है और ऐप भी होती है वैसे मैडम ये सारा कुछ इंप्लीमेंट एमएनसी में हो रहा है मतलब कि एक पोर्टल के ऊपर सब कुछ होता है तो ये अगर एमएनसी में हो रहा है एब्सोल्यूट अगर एमएनसी में हो रहा है यही इंश्योरेंस एजेंसीज कर रही है ना इंश्योरेंस एजेंसी तो कोई और नहीं है इसका मतलब है कि लोकल एच वाले ट्राई नहीं कर रहे अब मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम था कि जब वो इंटर्न्स की पेमेंट जानी है तो वो मेरे सिग्नेचर के भाई मैं डायरेक्टर एच आर हूं मुझे इंटर्न की पेमेंट से क्या गर्ज है वाई वुड आई साइन इट जिसने रखा है इंटर्न उससे साइन करवाओ दे दो पैसे मैंने अब नहीं देखी मैंने कहा एक बात मुझे बताओ अगर मैं साइन नहीं करूंगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे नहीं मैं से तो गलत हो जाएगा वाक़ है उसको नहीं मिलेंगे थैंक यू फॉर से हाँ तो तो मुझे कोई एतराज नहीं है तो पॉलिसीज पे अमल करने पे इम्प्लॉयज नहीं बोलेंगे आपके जैसे कुछ एम्प्लॉयज होंगे क्यों नहीं बोलेंगे क्योंकि नौकरी चली जाएगी नौकरी पहले ही मुश्किल से मिली है आप नहीं बोलेंगे अपने बॉस को कि ये चीज चेंज कर दो क्योंकि आपकी नौकरी चली जाएगी दीज आर फैक्ट्स वी कांट क्लोज आवर आइज फ्रॉम दिस राइट बट वॉट वी नीड टू डू इज टू मेक आवर लाइफ इजी फर्स्ट अपने हर वो काम में जिस पर रिपीटिव टास्क है उसको क्या करें ऑटोमेट ऐसे ऐसे ऑटोमेट कराओ कोई जरूरत नहीं है महंगा काम करवाने की बच्चों को पकड़े इंटर्नशिप करवाएं उनसे करवाएं काम ये सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले भी यही करते हैं जब तक कि मिलियंस का बिजनेस ना हो तब तक वो सॉफ्टवेयर डेवलपर को नहीं बिठाते इंटर्न को ही बुलाते एंड मैं आपको एक मजे की बात बताऊं फिर मैं आपके क्वेश्चन पे होती मैं एक बैंक में गई मेरा बॉस ना मेरे खिलाफ था कि इसको क्यों रख लिया तो वो मुझे कहता है ये दूसरा बैंक है पहले वाला नहीं है वो पर्सन कहते हैं जी आ, आप आई हैं फर्स्ट अगस्त को मेरा एक टारगेट है बीस अगस्त तक आपने जो है ना जितने लोन ऑफिसर्स हैं इनकी आपने ट्रेनिंग करवा दी है उस ऑर्गेनाइजेशन में नौ तीस लोन ऑफिसर्स थे मैं उल्टी भी खड़ी हो जाती तो मैं नहीं कर सकती थी बीस दिन के अंदर मुझे समझ समझना मैं क्या उन्होंने कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है फिर वही कहा मैंने जो आपको मैंने कहा है ना सर्वे किया कितने लोगों के पास है खुद नहीं किया सर्वे एडमिन से पूछा यार एक बात भी होता है कि सबके पास स्मार्टफोन है। कहते हैं तो हाँ अभी हमने सर्वे कराया सबके पास स्मार्टफोन है मैंने ठीक है मसला हल हो गया एप डॉट कॉम फ्री एप डॉट कॉम उस पर जाए उस पर आप खुद से बारह सौ रुपये खर्च करके ऐप डेवलप कर सकते हैं खुद से बगैर नोइंग एनी कोडिंग और एनी सिर्फ छोटी सी ऐप डेवलप की <laughs> जिसमें मैंने वो सर्वे डाला जिसमें लोगों ने पढ़ना था कंटेंट को कंटेंट पढ़ के पंद्रह सवाल के जवाब देने थे पंद्रह सवाल के अगर सही जवाब दिए सौ नंबर आ गया तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई इतनी को ट्रेनिंग चाहिए थी उनको कि ये रूल्स हैं हमको ये रूल्स बताने चाहिए लोन ऑफिसर्स की बड़ी सीधी आसान तरीन ट्रेनिंग थी बीस तारीख को मैं पहुंच के नौ सौ लोगों की ट्रेनिंग हो गई आग नहीं लग गई थी उस वक्त थोड़ी सी क्यों वाई वॉज आई एबल टू डू दैट दैट्स अ क्वेश्चन नॉट बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट आपने चैलेंज एक्सेप्ट एक चैलेंज एक्सेप्ट किया दूसरे मैंने अपनी फील्ड से ज़्यादा फील्ड्स के अंदर टांगें बड़ी अड़ाई हुई हैं मुझे पता है कि एक वेबसाइट ऐसी है जहाँ से ये काम हो सकता है थिंक मुझे पता है कि मंकी सर्वे uh, मंकी को और भी बद तरीक़े से यूटिलाइज किया जा सकता है सर्वे मंकी पर सर्वे बनाया ऐप के अंदर दो डॉक्यूमेंट डाले कितना को मुश्किल काम है ये अगर मैं किसी डिवेलपर की जा, जा करके ये ऐप बनवाती तो उसने एक हफ़्ता तो वही ले लेना था पहले और फिर शायद वैसे नहीं बनना था मुझे कोई फैंसी ऐप तो नहीं चाहिए थी ना अच्छा फिर मैंने एक काम और किया जो मैं आप लोगों को फेसबुक का बता रही हूँ मैंने फेसबुक के ऊपर ग्रुप बनाया तमाम लोन ऑफिसर्स को उसमें ऐड किया और जिस जिसके आते गए उनको चैम्पियन ट्रॉफी क्या जबरदस्त ट्रॉफी तुम लोगों को फेसबुक पर मिली है <laughs> सब अल्लाह गुल्ला आपके यंग बच्चे तो थे ना यार एक एक साल के एक्सपीरियंस वाले बच्चे होते हैं उनको वो एक शोर शराबा हल्ला गुल्ला फिर हमने जो है वो प्रोडक्शन वाला उनके बैंकिंग ऑपरेशंस के पास गए हमने कहा जी यार ये तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है 900 लोगों ने जो है वो कर लिया हुआ है तो कोई सेलिब्रेशन होनी चाहिए देखें आप लोगों के पास बजट है मेरे पास तो बजट ही नहीं है तो क्या चाहिए थोड़ा तो मतलब तो ढोल वाला बुलाना है बस <laughs> कोई और काम नहीं करना सिर्फ ढोल वाला बुलाना है फिर मैंने ये अनाउंस किया कि जी जिस ब्रांच का तमाम लोन ऑफिसर हंड्रेड लोन ऑफिसर ये कर लेगा कंप्लीट तो उस ब्रांच के मैनेजर को हम एक स्पेशल गिफ्ट भेजेंगे और सेलिब्रेशन होंगे एक ढोल वाला भेजा और दो किलो मिठाई का डब्बा भेजा बस काम हो गया अब मैं करके आ रही थी एक्चुअली आई वॉज सेविंग माई जॉब राइट बट आई वॉज ऑल्सो एक्सेप्टिंग द चैलेंज एंड आई वॉज डूइंग इट होल हार्टेडली उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे आज ये पता है कि फ्रीलांसिंग कैसे होती है मुझे फ्रीलांसिंग नहीं करनी है, लेकिन मुझे पता है कैसे होती है ठीक है मुझे पता है कि फेसबुक के ऊपर शॉपिंग कैसे होती है फेसबुक के ऊपर मार्केट कैसे बनाई जा सकती है मुझे पता है कि मैं लिंकड का सेलिंग कैसे यूज़ कर सकती हूँ वाई आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट बट आई नो हाउ टू डू इट दैट नॉलेज इज योर पावर एक्सपर्टीज इज योर पावर अपने आप को यूँ ना लेके चलें ये हटा दें छोड़ कर आना अब ये स्टूडेंट का जो तरीका है मुझे पता है स्टूडेंट से प्रोजेक्ट कराया जा सकता है है क्यों पता क्योंकि मैं जाती रहती हूँ यूनिवर्सिटीज में स्पीकिंग के लिए आई नो कौन कौन से बच्चे हैं से मैं क्या काम करवा सकती हूँ so, सो अपने होराइजन को बढ़ा करते जाएं और आप देखेंगे यू विल गो फास्टर इन योर करियर एज वेल ऑर्गेनाइजेशन को तो फायदा उठ पहुंचाएंगे ही आप लेकिन आप करियर में भी बहुत ज्यादा आगे जाएंगे ठीक है डिवेलप पीपल स्ट्रैटेजी पीपल स्ट्रैटेजी बनाना आपका काम नहीं है सो so, अगर आपका हेड होगा तो वो ये काम करेगा लेकिन एन एच आर विच वॉन्ट्स टू तो मूव टू तो स्ट्रेटेजी के एच आर दे नीड टू हैव पीपल पीपल स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी जैसे अभी हमने यहां पर यह बनाई है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी लिखे इसके अगेंस्ट जैसे आपने कहा कि मैं ट्रेनिंग की बनाऊंगी आप ट्रेनिंग को देख रही हैं आपने कहा जी मैं ट्रेनिंग के ऊपर ये वाला काम करा सकती हूँ आपने कहा मैं हायरिंग कर रहा हूँ तो मैं हायरिंग के लिए इस तरह के लोगों का टैलेंट एनालिसिस करूँ कि मेरे पास कितने लोग हैं कितने लोग दैट इज़ अलाइनमेंट विद द स्ट्रैटी अभी आगे चल के हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं कैसे करना रेपिटेटिव uh, टास्क को या तो डेलीगेट कर दें या ऑटोमेट कर दें शॉर्ट टर्म से किधर चले जाएं? लॉन्ग टर्म मिड टर्म इम्पैक्ट टास्क डन इज नथिंग ठीक एनालिटिक्स एंड वर्कफोर्स मैट्रिक्स इज योर फ्रेंड चीते बन जाए दो चीजें अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोगों ने जरूर सीखनी है फॉर योर प्रोफेशन फॉर एनी प्रोफेशन एक एक्सेल का डैशबोर्ड सीख लें एक्सेल के अंदर आप माहिर होने चाहिए मुझे जिंदगी में सिर्फ एक्सेल ने जितना फायदा दिया है एक एक्सेल और एक पावर पॉइंट मैंने जिंदगी में कभी वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं बनाया मैंने पावर पॉइंट पर हर वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया एक्सेल सीखें और उसके साथ अगर आप ज्यादा अच्छे हैं आई के अंदर अपना एनालिसिस खुद करें तो पावर बी सीख लें बहुत ईजी है बहुत ईजी है एक्सेल से डाटा एक्सट्रैक्ट करें डैशिंग किस्म के डैशबोर्ड बना के दें आप जरूरत बन जाएंगे लोगों की ठीक है डैशबोर्ड मैट्रिक्स आपके फ्रेंड है आपको दैट विल टेक यू एनी वेयर अगर आपका ट्रेडिशनल एच आर भी है ना तब भी मेट्रिक विल डू वंडर्स फॉर यू ठीक है हम देखेंगे आगे कौन से एंड देन ट्रांसफॉर्म एच आर प्रोसेस हाउ वी विल गेट टू नो ट्रांसफॉर्म किस को करना है किन प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करना है हम हायरिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड अप्रेजल इन तीन प्रोसेस के हमने तीन अलहदा लोग रखे होते हैं आमतौर पर या छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही ये काम कर रहा होता है पर्सन ये सारा कुछ इन स्ट्रेटेजिक एच आर इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक टैलेंट मैनेजमेंट वाई बिकॉज नाउ इन स्ट्रेटेजिक एच आर मैनेजमेंट ऑल ऑफ देम आर इंटरलिंक्ड ठीक है टैलेंट एक्विजिशन और हायरिंग दो डिफरेंट टर्म्स बन जाती हैं कैसे हायरिंग हमेशा कहां से होती है Standard. वैकेंसी आई अनाउंस करो बंदा ले लो टैलेंट एक्विजिशन क्या होती है इंटरनली ये 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 बंदा बैठा हुआ है इधर मूव कर दो क्या आपका हायरिंग सॉल्व हो गया इससे यस yes. hmm. क्योंकि वैकेंसी जल्दी फिल हो रही है yes. तो उधर जल्दी आसान है ना मिला बंदा सक्सेशन hmm. आ गई दूसरे वगैरह से बंदा उठा लिया वो भी ग्रो कर गया इंटरनल प्रमोशन से बच गया वो बंदा इंटरनल प्रमोशन हो ना हो लेकिन न्यू हायरिंग पर ओपन एवरी सिंगल पोजिशन इन साइड ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट स्टार्ट कलेक्टिंग रेफरल्स रेफरल के ऊपर लोगों को इंकरेज करेंगे जो हम कहते हैं ना कि रेफरेंस से होती है हायरिंग इंकरेज करें देर इज नथिंग रॉन्ग इन रेफरल हायरिंग रेफरल हो रही है तो उसका मतलब है कि आपका इंप्लॉई आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पसंद करता है इस वजह से वो रेफर कर रहा है अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन पर रोज आना मरते करते जाती हूँ तो मैं अपने किसी प्यारे को तो नहीं लाऊंगी यहाँ पर मैम आप स्कूल में देखें कि बच्चों को जब प्रीफेक्ट बनाया जाता है ज़्यादा जो प्रिंसिपल है या क्लास टीचर यही रेफर करेगी लाइक बच्चे को ले। लेकिन मेरा जो स्कूल ऑफ है वो ये है कि जो थोड़ा सा डल बच्चा है बैक बेंचर है उसे लाए ताकि उसके अंदर क्रिएटिविटी लीडरशिप क्वालिटी पैदा हो क्योंकि आई कैचिंग तो वही होगा ना जो लाइक है बच्चा मार्क्स ज़्यादा ले रहा है समाइम जो शरारती बच्चा है ज़्यादा नहीं ले रहा लेकिन वो में अपना कर है और दूसरा उसको पता है कौन शरारत कर रहा है किसको रोकना, रोकना है वही है, है।, <laughs> है। <laughs> सबसे, सबसे गंदे शोर मचाने वाले बच्चे को मॉनिटर बना दो हाँ। तो सब, सब चुप हो गए ना लेकिन जो पढ़ने लिखने वाले अच्छे बच्चे होते उनको तो यही नहीं पता होता शरारत कैसे करनी है तो उनको मॉनिटर बनाने का कोई फायदा नहीं सब उनको घनचक्कर बनाए रखते हैं राइट अच्छा इनको स्ट्रेटिक टैलेंट मैनेजमेंट में करने का तरीका क्या है स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा यूज़ द टूल्स मैंने आप लोगों को एक लिंक फॉरवर्ड किया है जिसमें टूल्स मौजूद हैं उन टूल्स में एक टूल टूल किट है सक्सेशन प्लानिंग की लेकिन वो सिर्फ सक्सेशन प्लानिंग की नहीं है उस टूल किट को आप बहुत ज़्यादा तरीक़े से यूज़ कर सकते हैं उसको आप अपनी पोजिशन डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप टैलेंट एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं आप ये देख सकते हैं मेरी किन किन पोजीशन पे आने वाली है अच्छा अब आप ये समझते हैं अगर कि मैं कुछ टैलेंट के बारे में क्या करूं? अगर आप डाटा कर रहे होंगे ना एनालिसिस, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये फॉर एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें हर दो साल मैक्सिमम उम्र लोगों की दो साल है दो साल के बाद बंदा छोड़ जाता है लेट्स जैसे आपका डाटा ये कहता है तो आपने क्या करना है एनालिसिस करना है किन किन लोगों का दो साल होने वाला है हु आर दे कॉल्ड एज फ्लाइट रिस्क ठीक उन फ्लाइट रिस्क का अब आप करेंगे क्या क्या आप उनको जाके कहेंगे यार छोड़ना नहीं और क्या कर सकते हैं बेंच स्ट्रेंथ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं पाइपलाइन बना सकते हैं सबसे सवाल आपसे आईटी में तो यही होता है पाइपलाइन है क्या नहीं है ठीक पाइपलाइन पहले से बना सकते हैं इसको दो साल होने वाले हैं मेरे पास तीन महीने हैं अभी तीन महीने में यार ढूंढो तीन महीने बड़ी सफिशेंट है बजाय इसके कि जब वेकेंसी आ जाए तब तो, तो तलवार लटक गई सो डेटा आपका दोस्त बन गया ना फिर और आप क्या कर सकते हैं आप मैनेजर के पास जाके कह सकते हैं कि जी देखें आपके डिपार्टमेंट में हर दूसरे साल बंदा चेंज हो जाता है ये 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 है आपके फ्लाइट रिस्क लोग हैं एक तो तरीका ये कि दो साल वाले हैं दूसरा आप ये देखें कि इस बंदे की इंगेजमेंट कैसी है तो एक छोटा सा क्विक इंगेजमेंट सर्वे करें आपको आइडिया हो जाए कि आपके डिपार्टमेंट में कौन से लोग हैं जो कि भागने वाले हैं लेट्स इंगेज डेन फर्स्ट सबसे गंदा काम होता है क्योंकि उस टाइम पीरियड पे एम्प्लॉज जितना नुकसान पहुंचाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वो ये सबसे जो लोग समझते ना कि हम तीन महीने का नोटिस पीरियड कर देंगे अब रिजाइन उसने कर दिया है अब वो तीन महीने बैठा हुआ ना आपका कोई काम कर रहा है तीन महीने की तनख्वाह से ले रहा है like और वो पच्चीस और लोगों को और बुराइयां कर रहे हैं बैठ करके बिकॉज नाउ दैट पर्सन डजन हैव एनी थिंग टू वरी अबाउट अब तो वो पच्चीस लोगों को और डिमोटिवेट करेगा ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा है कि जी बड़ा जबरदस्त तरीका नहीं भाई आज कल के जाते तुम आ जाओ सम, समझ आती है ये बात मुझे अगर कोई आकर नेगोशिएट करना चाहता है ना ये देखे जी हमारा तो ये अप्रेजल बड़ा खराब हुआ है हम तो यू डोंट वांट टू वर्क नहीं ठीक है जाओ ब्लैकमेल नहीं होंगी मैं और जो ये वाली काम है कि जी मैं तनख्वाह देकर रोक लू वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू एनी पर्सन क्योंकि अब उसको लग गया है खून मुंह को अब तो वो ये काम वो करेगा और फिर एक एग्जाम्पल सेट हो गई है सब करेंगे फिर हर काम क्या होगा मैं काम स्पेशलाइज्ड बनाती चली जाऊंगी अपना काम क्यों क्योंकि अब मुझे क्या बनना है इदारे की नीड जब मैं इदारे की नीड बन गई और स्पेशलाइज हो गई अब तो इदारे को तो उससे क्या होगा इन्फॉर्मेशन ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी राइट right? वो बंदा कभी भी इंफॉर्मेशन आप, आपको एज एन एच पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे लोगों का और उन ब्लैक बॉक्सेस को ओपन करें अपने साथ लोगों को मिलाएं प्रोसेसेस करें ताकि आप ब्लैकमेल ना हो एज एन एच ये वो आंखें खोलने वाली चीजें हैं जो कि एच को करनी चाहिए एच आर ऑपरेशन कहाँ चला जाए एम्प्लाई सेल्फ सर्विस ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज शिफ्ट होना शुरू हो जाए अच्छा एक काम और हुआ है अब इकदारों के अंदर कि अब या तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ज़्यादातर लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया है ज़्यादातर तो टीम्स ही हो रहा है या गूगल मीट यूज़ हो रहा है इन दोनों के ऊपर एक बहुत ही प्यारा तरीका है जिसको कहते हैं बॉट फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है और इजी तरीन है बनाना खुद सीख लें बहुत आसान काम है जितनी रिपीटेटिव क्वेरीज हैं उनके जितने रिपीटिव आंसर हैं वो सब उसमें डाल डालना आपकी क्वेरी जीरो हो गई इन्हें करके देखा भाई आपके पास एक्सपेक्टेड आंसर आपने वही आंसर देना है कसम से आपने वही आंसर देना है आपने और कोई आंसर नहीं देना वी विल गेट बैक टू यू एंड दे नेवर कम बैक तो वो आप डालिए उसके अंदर आपकी जान छूट गई आपकी वो जान छूटी लेकिन आपने दुनिया को नहीं बताना मेरी जान छूट वाली वेरी गुड हमेशा इसको वारदात पर रखें और उस ऑनलाइन होने में आपने क्या करना है आपका जो सवाल था नाउ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टाइम उतना ही है वो एक बड़ा पुराना कितने लोग मेरे जितने पुराने हैं यहाँ पे अनिल कपूर का डायलॉग है टाइम होता नहीं है निकालना पड़ता है टाइम निकाला जाता है हर एक के पास 24 फोर आवर्स है आपके पास आठ घंटे ही हैं ऑर्गेनाइजेशन में अपने रिपिटेटिव टास्क को आसान बनाएं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो सिर्फ आपके पास हो सकती है जब हर बंदे को ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे बंदे की सैलरी पता है तो इससे ज़्यादा क्या हिडन इंफॉर्मेशन होगी ऐसा हर कोई ये समझता है कि मेरी सैलरी जो है बड़ी कॉन्फिडेंशियल है सबको पता होती है, है ना इंक्रीमेंट्स भी पता होता है सबको और एच आर अपने एफर्ट लगा रहा होते कॉन्फिडेंशियल डेटा आपने शेयर नहीं करता मैं अभी जाके देखिए अगर किसी को कोई बात नहीं बतानी तो नहीं बतानी जब आपने किसी बात को ही कह दिया कि किसी को शेयर नहीं करना शॉर्ट शॉर्ट वही शेयर होगी ठीक है सबको पता होता है सबको पता होता है ठीक है बहुत सारे बॉसेस तो कहते हैं यार तुम्हें लास्ट टाइम बंद दिया था मैं होगा <laughs> अच्छा पे रोल ऑपरेशन बहुत सारी जगह पर शायद फाइनेंस के पास होता है अगर ऐसा है बहुत खुशी खुशी उनको दे दें क्योंकि ये सबसे वर्स्ट थिंग है करना ठीक है लेकिन आप उसका कौन सा पार्ट पकड़ लें कॉम्पेंट बैन पकड़ लें और बेनिफिट में किसको पकड़ लें हमारा सा कौमी मसला है इंश्योरेंस क्योंकि उधर से आप फ्री फ्री बीज बहुत दे सकते हैं और फ्री बीज कौन से दे सकते हैं एम्प्लॉई डिस्काउंट्स बहुत दे सकते हैं दुनिया की हर कंपनी से बात करें और उनके थ्रू आप एम्प्लॉय डिस्काउंट्स देना शुरू कर दें उनको बिक्री करानी है उनको 20 परसेंट पच्चीस परसेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता और यह सिर्फ दवाओं तक महदूद ना करें लैब्स तक महदूद ना करें बल्कि शॉपिंग के ऊपर ग्रोसरी के ऊपर इसके ऊपर उसके ऊपर आपकी जहां से सैलरी ट्रांसफर हो रही है उन बैंक को बुला लें लाइन हाजिर कर लें बताएं मेरे एंप्लॉयी को क्या फायदा होगा होम लोन्स इशू करवाएं उनका भी बेनिफिट आपका भी बेनिफिट आपने क्या बना दिए इंप्लॉयी बेनिफिट्स और आप क्या बन गए एम्प्लॉय चैंपियन ये एच आर तो एम्प्लॉय के लिए काम कर रहा है राइट एंड दीज आर ऑल डूएल एट योर स्टेज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिपार्टमेंट जब आपका एस एच आर एम बनता है तो ये ट्रांसफॉर्म तो हो जाते हैं इन तीन फंक्शन में और न्यू फंक्शन एड हो जाते हैं वन इज कॉल्ड एज एच आर बिजनेस पार्टनर आपने एच आर बीपी का कॉन्सेप्ट शायद सुना हो काफी थी लोगों थी। से अगर आप लोगों ने आगे ग्रो करना है आई वुड एडवाइज़ यू टू डू एच आर बी पी सर्टिफिकेशन इट विल गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन आजकल बहुत ज़्यादा इसका है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के बहुत ज़्यादा मसालें सिर्फ जेंडर और रेशल नहीं हैं बल्कि और भी बहुत सारे हैं यानी डिसेबिलिटी के लिए भी हैं न्यूरोडाइनमिक के लिए भी हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं जो कहते हैं कि हम फलां जात रखते हैं और फलां ज़ात नहीं रखते हैं इस तरह तक के लेवल के हमारे मसाइल हैं उस पर अवेयरनेस उस पर सेशंस करवाना चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट कराएं चाहे कॉस्ट के साथ कराएँ बट दैट्स वॉट दिस डिपार्टमेंट डू कल्चर एंड ओडी के ऊपर एंड देन एम्प्लॉय दीज आर द एडिट फंक्शन दैट एच आर स्टार्ट डूइंग वाई बिकॉज नाउ दे आर वर्किंग फॉर एम्प्लॉयज एंड नन ऑफ money by मनी way बस ठीक है अब हम वापस आकर ये एक एक्टिविटी मैंने आपसे करानी है जो हमने ये स्ट्रैटेजी अलाइनमेंट की है हमने ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनानी है ठीक है सो so, इसको आपका जो वो एक प्रॉपर एच को अपनी स्ट्रैटेजी अलाइनमेंट करनी है स्ट्रैटेजिक एच बनाने के लिए वो हम करेंगे उसके बाद आगे चलें जल्दी जल्दी सर ये मैंने कुछ फार्मूलाज दी हुई हैं इन फॉर्मूलाज़ के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि डैशबोर्ड्स की क्या क्या डैशबोर्ड्स हैं दिस इज़ मोर ऑफ अ विजुअल एक आपका हमने एक्टिविटी करनी है एंड देन आई वांट टू शो यू हाउ डू वी मेक डिफरेंट डैशबोर्ड्स ताकि आप लोगों को जो ये एक कंसर्न है कि मैं अपनी लेवल के ऊपर क्या स्ट्रैटेजिक एचआर कर सकता हूँ यू शुड बी एबल टू डू इट